दोस्तों, कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बात की जाए प्राची की, तो प्राची को इस समय किडनैप करके ले जा चुके हैं। और दोस्तों, किडनैप करके जो ले गए हैं उसमें सीधा सीधा आलिया का नाम निकलने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, रिया को भी नहीं बताया था आलिया ने कि इस सब में हमारा हाथ है। लेकिन दोस्तों, जब रिया को पता लगेगा कि वाकई में प्राची का किडनैप कर लिया है, तब वाकई में रिया को भी झटका लगता हुआ नज़र आने वाला है। क्योंकि रिया कभी ये नहीं चाहेगी कि प्राची को कोई मारे भी जान से। जी हाँ दोस्तों, हालांकि इस समय कहानी एक से बढ़कर एक एक नए नए ट्विस्ट भी देखने को मिल रहे हैं। कहानी के बात की जाए तो सभी लोगों को कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति बहुत भयंकर तरीका से नज़र आ रही है। कन्फ्यूजन की स्थिति इस समय साफ साफ ये भी नज़र आ रही है कि बात की जाए रणवीर की, तो रणवीर को जब पता चलेगा कि आखिरकार ये सब कुछ हो रहा है, जिसके बाद में रणवीर बोलता हुआ नज़र आने वाला है कि आखिरकार प्राची को जिसने भी गायब करवाया है वो बचने वाला नहीं है। अब पूरे ही परिवार को पता लगने जा रही है, और ख़ास करके पल्लवी को, कि आलिया वापसी आ चुकी है और हमारे परिवार को एक नए तबाही के मंजर में गेरना चाहती है। हालांकि दोस्तों, आलिया की किसी भी तरीका से घर वापसी नहीं हो पाएगी, चाहे कितने भी कोशिश कर लें। क्योंकि इस समय साफ साफ बोलना यह है प्राची का कि जो हो रहा है उसे हम वैसे ही नहीं होने देंगे, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि खुशी इस समय बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है, क्योंकि खुशी हर सूरत में अपनी मॉम को मिस करती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि वो दोस्तों छोटी बच्ची है और वो सबसे ज़्यादा इस समय अपनी मॉम को याद करती हुई नज़र आ रही है। साथ ही दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं हूँ रोहित नागर। जी हाँ गाइज, हाथ जोड़ के पुनः निवेदन करना चाहूँगा गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए गाइज कैसी लग रही है मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को वाकई में इतना सपोर्ट किया है।